एसएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं सरिता कुमार और आप देखें एसएम न्यूज। आज हमें जंतर मंतर पर, जंतर मंतर में बड़ी ही तादाद में लोग आए हैं धरना प्रदर्शन के लिए। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनका मुद्दा क्या है। आप बताइए, आप किस लिए आए हैं धरना प्रदर्शन करने? मैं ऑल इंडिया वुमन फेडरेशन की जनरल सेक्रेटरी हूँ दिल्ली स्टेट की। हमारा ये आज धरना प्रदर्शन का मेन मुद्दा ये है कि हमारी जो मांग है, जो टाउन में 2014 का एक्ट बन गया, दिल्ली सरकार ने स्कीम बना दी और टीवीसी बन गई है। टीवीसी में यह है कि हमारे सिर्फ 1/3% से काम नहीं चलेगा। महिलाओं का भागीदारी जो है, हमारी भागीदारी 50% भागीदारी हमें चाहिए। महिलाओं की 50% भागीदारी होनी चाहिए और हर राज्य में महिला मार्केट होनी चाहिए, जिसमें कि महिला मार्केट में हमें टॉयलेट की सुविधा जो कि मस्ट है, क्योंकि हमारी जो महिलाएं सुबह से शाम तक काम करती हैं, वो अपने काम चलते हैं, वो अपनी शरीर की तरफ ध्यान नहीं देती, जिससे कि बहुत गंभीर गंभीर बीमारियां उनको लग जाती हैं, तो इसलिए वो हॉस्पिटल नहीं जा पाती हैं। तो हमें महिला मार्केट में, हमें सारी जितने भी वेंडर हैं, वेंडर हमारे मोबाइल हॉस्पिटल आना चाहिए, हमारे यहीं पर ही सुविधा होनी चाहिए हॉस्पिटलाइज की, और हमें बच्चों के लिए क्रेच की सुविधा होनी चाहिए। ये हमारी मांग है सरकार से। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो आपका अगला कदम क्या होगा? हम उसका इससे अगला कदम उठाएंगे, फिर इससे भी बड़ा हम धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, लेकिन हम अपना अधिकार लेके रहेंगे, जो कि प्रधानमंत्री जी भी योजना में बोलते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है उनका। अगर जब बेटियों का अधिकार, समान अधिकार नहीं है, तो क्यों इतने बड़े बड़े नारे लगाते हैं? वो नारे जो पोस्टरबाजी में, पोस्टरबाजी करना बंद करें, और जो महिलाओं पे, बेटियों के लिए बोलते हैं, वो पोस्टरबाजी ना करें, और सिर्फ वो व्याख्या ही बनी रहती है। जमीनी स्तर पे महिलाएं, हमारी बेटियों को अधिकार नहीं मिल पाता, तो हम अपना अधिकार यहाँ लेने के लिए आए हैं, हमारी यही मांग है। और हमारी मांगें ये हैं कि जिस प्रकार से हमें पुलिस, एमसीडी, एनडीएमसी जो परेशान कर रहे हैं, वो ना करे, और जो टाउन वेंडिंग कमेटी बन चुकी है उस पर छोड़ दे। अब वेंडिंग जोन और नो वेंडिंग जोन कमेटी तय करेगी, ना कि पुलिस प्रशासन करेगी। पर यहाँ तो सरासर गुंडागर्दी है, जो पुलिस अपनी दबंगगिरी दिखाती है, आती है, माल उठाती है, फेंकती है, हटाती है, तो सरकार हमारी क्या कर रही है? हम केंद्र सरकार से ये कहना चाह रहे हैं, जब आपने एक कानून बना दिया है, आपने उस पर सहमति दे दी कि आपने सारे हॉकरों का सर्वे कराना है, तो ये गुंडागर्दी क्यों हो रही है? बंद होनी चाहिए, और हमें जो हमारी मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए। जैसे कि हम सुबह से लेकर रात तक वहाँ बैठते हैं, हमारे लिए शौचालय का कोई वहाँ पे इंतज़ाम नहीं है, हमें परेशानियाँ होती है, जैसे हम बीमार पड़ गए तो हमें हॉस्पिटल जाने का वक्त नहीं मिलता। क्यों? कि अगर एक दिन हम यहाँ नहीं आएंगे तो दूसरे दिन हमारे बच्चे भूखे रह जाएंगे। कोई कितनी भी, इसमें कितनी लेडीज़ ऐसी हैं जिनके पति नहीं हैं, बेवाएँ हैं, और वो खुद अपना घर परिवार चला रही हैं। इनको सबको समझना चाहिए कि ये एक मेहनत का काम कर रही है, इनको परेशान ना किया जाए। तो हमारी मांगें ज़्यादातर ये हैं कि हमारी सुने, अगर नहीं सुनेंगे हम अनिश्चित काल तक यहाँ पे बैठे रहेंगे, यहाँ भूख हड़ताल करेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान देनी पड़े हम देंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं बचा है। एक मेन मुद्दा है जो अभी 2 तारीख को 9/2/19 में, ये अभी एक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि जितनी इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जाए। इंक्रोचमेंट के नाम पे लोगों की पटरियां हटवा दी गई पूरे दिल्ली से, जबकि इंक्रोचमेंट में क्या दिया गया है, गाड़ियां हटाई जाए, अवैध रूप से जो बिल्डिंगें हैं वो हटाई जाए, पर उनको ना टच करके जितने भी गरीब लोग वहां से अपना व्यवसाय चला रहे थे उनको हटा दिया गया। क्या सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश मान्य है? इससे पहले 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि जहाँ जो बैठा है वो बैठा रहे, और इनका जो टाउन वेंडिंग कमेटी है सर्वे करेगी, इनको एक लाइसेंस देगी, और जब वेंडिंग जोन बनेगा उनको वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। तो वो ऑर्डर क्या है और ये ऑर्डर क्या है? और ऑर्डर के नाम पे पुलिस हमें इस तरीके से परेशान कर रही कि नहीं आप यहाँ से हटो, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मैं मानने से इनकार करती हूँ कि इंक्रोचमेंट के नाम पे इंसानों को हटाया जा रहा है, ना कि गाड़ियों को हटाया जा रहा है। एक घर से 10-10 गाड़ियां हैं, उनको हटाया जाए। एक 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 इंसान से 2-10 लोगों के घर का अगर चूल्हा जलता है, उसको हटाना सही नहीं। ये इस तरह के तंग किया जाता है, जो इसकी माल कैसे लगा, कुछ लोग जो बैठे हुए हैं अभी गुजराती मार्केट के पीछे, उनकी तो बिल्कुल ही रोजगार नहीं है, उनकी
बेचारे लोग भूखे मर रहे हैं, उनकी कोई रोजगार नहीं है, NDMC पुलिस कमेटी कोई सुनते नहीं है हमारे, ठीक है ना। तो उनके पीछे हमारी जो जनपद के एक कमला दीदी है और हमारी टाउन बेंडिंग कमेटी की मीना दीदी है, ठीक है, इन लोग लड़ाई कर रहे हैं, आगे जंग लड़ रहे हैं। और देखो अभी तो कोई बैठा नहीं है, अभी NDMC में कोई भी नहीं बैठा अभी। तो बड़ा बड़ा ठिया लगाते हैं, लोग लगाते हैं, उनसे कहते छोटा करो, वो ऑर्डर है ऊपर का, यहाँ का ऑर्डर है, कहाँ का ऑर्डर है, आप बताओ। हमारी जो महिला बैठी हुई हैं वो थरेजा से भी हैं, वो बैठी हुई हैं और 30-40 साल हो गई, उनको कुछ मिलने का है कुछ हक नहीं। मैं तो ये सवाल पूछना चाहती हूँ आपको। और कोई विधवा है, विधवा है क्या आप लोग? सरकार कुछ नहीं कर रही है जी? सरकार के बारे में क्या कहेंगे? सरकार आपके लिए कुछ काम कर रही है कि नहीं कर रही? कुछ नहीं कर रही। सरकार काम करती होती तो हम ये रोड पे क्यों आते हैं धरना प्रदर्शन करने? हमारी आवाज़ सुनेंगे, हमारी बहनों के सुनेंगे तो ठीक रहेंगे, नहीं आगे फिर हम बढ़ेंगे, अपनी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमें भूख में मरना होए, चाहे कुछ भी करना होए, हम आप तैयार हैं, ठीक है जी। ये मेरा कहना है कि जल्दी से जल्दी 628 आदमी को आप दे जाए, टोकन दे जाए, बस इतनी हमारी हाथ जोड़ी है और साइड दे जाए, उनको दे जाए। और देखो इस तरह से दूध रही है, 14-15 का 628 को दे, 14-15 का है, 12 का है, 13 का, 14 का, वो जो बहन बैठी है हमारी उनको हक मिलना चाहिए, उनको भी दे जाए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।